हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आभा। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपको चार तरह की मैगी बना के दिखाऊंगी। वैसे तो मैगी सभी बनाते रहते हैं, पर मैं आज आपको अलग अलग स्टाइल में चार तरह की मैगी बना के दिखाऊंगी, जो मैं जल्दी तो नहीं कह सकती, थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर बहुत ही टेस्टी बनती है खाने में। तो चलिए उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पहली मैगी बना रही हूँ मैं, चाइनीज़ मैगी। सबसे पहले मैं चाइनीज़ मैगी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1.5 कप के करीब पानी लिया है। जितना आपको उबालने के लिए मैगी चाहिए वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे एक मैगी बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने 1.5 कप के करीब पानी लिया है। जैसे हम चाउमीन बॉयल करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम इसे बॉयल करेंगे। पानी हमारा अच्छे से उबल गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है ऑयल का ऐड करूँगी। और ये मैगी, इसको हम 70 से 80% तक हम बॉईल कर लेंगे। हमारी जो मैगी है वो 70 से 80% बॉईल हो गई है। जैसे हम नूडल्स बॉईल करते हैं, बस उतना ही हमें बॉईल करना है, ज़्यादा हमें बॉईल नहीं करना। अब मैं एक छन्नी की सहायता से इस मैगी को छान लूँगी। मैगी को मैंने छन्नी की सहायता से छान लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं चाइनीज़ मैगी के लिए। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, उसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है ऑयल का डाला है। आप जो भी ऑयल डालें, जो आप खाते हैं वही ऑयल इसमें ऐड करें। आप चाहें तो इसे बटर में ही बना सकते हैं, पर मैं खाली ऑयल में बना रही हूँ। अब मैं इसमें ऐसे लंबे लंबे मैंने प्याज काटे हैं, एक प्याज छोटा वाला और थोड़ी सी गाजर, लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसको फ्राई कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। गाजर को हम प्याज के साथ ही ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर को थोड़ा पकने में टाइम लगता है। इसे हमें ज़्यादा नहीं करना है, दोनों को फ्राई, हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए, पर जब तक हमें इसे फ्राई करना है। ये नूडल्स बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, और बिल्कुल जैसे चाउमीन वगैरह आप खाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आता है इसका। अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये मैंने बारीक बारीक काटी थी शिमला मिर्च, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी मैं, जिससे इसका भी कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको भी मैं हल्का सा सेक लूँगी। अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर, ये मैं 1/2 चम्मच के करीब काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये मेरी एक मैगी है, इसलिए मैं कम नमक डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसे मैं नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें सारी सॉस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं रेड चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 चम्मच के करीब ली है। ग्रीन चिली सॉस, ये भी मैंने 1 चम्मच के करीब ली है। सोया सॉस कलर के लिए, केचप लिया है मैंने 1/2 चम्मच। आप जितना अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना आपको ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। इसके बाद इसमें मैंने जो बॉयल करके मैगी रखे थे वो ऐड करूँगी। इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथ से मैं सब चीज़ों में मिक्स कर दूँगी। सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं ये जो मैगी के साथ मसाला आता है ना, वो ऐड कर रही हूँ ऊपर से। बहुत ही टेस्टी बनती है मैगी, चाइनीज़ मैगी बहुत ही टेस्टी, और थोड़ा बनाने में इसमें टाइम लगता है। अगर आपकी मैगी पहले से बॉयल हो तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आज सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और 1-2 मिनट के लिए सब चीज़ों को अच्छे से पकने दूँगी। 1-2 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, जिससे क्योंकि हमारी जो मैगी है वो टूट जाएगी। अब मैं इसे गैस को बंद कर रही हूँ, और इसे दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं दूसरी तरह की मैगी बनाने जा रही हूँ, इसका नाम है सूपी मैगी। ये मैगी बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का डाला है। आप जो भी ऑयल खाते हैं वो इसमें ऐड कर दें। इसे मैं तेज़ फ्लेम पर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। इसको भून लूंगी।
और थोड़ी सी हरी मिर्च। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ हल्का हल्का ही फ्राई करना है जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब मैंने थोड़े से कॉर्न लिए हैं, इसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था, वो इसमें ऐड कर रही हूँ। सूखी मैगी बनाने जा रहे हैं तो उसमें कॉर्न का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। कॉर्न आप जब भी डालें हल्का सा बॉईल करके डालें, इससे बहुत ही टेस्ट लगते हैं बाद में। इसको दो तीन मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, ये आप अकॉर्डिंगली टेस्ट ऐड करें, क्योंकि जो मैगी मसाला होता है उसमें भी नमक होता है। लाल चिली पाउडर, ये भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें आप। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें, अगर आपको हल्दी पसंद नहीं है तो मत डालें। इनको हल्का सा भून लूँगी जिससे इन मसालों का जो है, जो हमने नमक मिर्च और हल्दी डाली है, उसका कच्चापन निकल जाए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने बारीक बारीक काट दिया था, एक टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको हल्का सॉफ्ट होने तक मैं भून लूँगी, हल्का सा हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाए और ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए, तब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें 1.5 कप के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि मैं एक सिंगल मैगी बना रही हूँ। अगर आप डबल मैगी बनाएं तो उसमें 3 कप पानी ऐड करें। मैं 1 कप पानी, 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ एक मैगी के लिए। अब इसमें मैं एक बॉल आने दूंगी, जब हमारा एक उबाल आ जाएगा तो हम आगे की प्रोसेस करेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, ये मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया, आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1 बड़ा चम्मच ही मैंने ग्रीन चिली सॉस का लिया है, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सूपी मैगी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी होना भी ज़रूरी है, बिल्कुल सूखा मत देना। अब मैं इसमें जो मैगी के साथ मैगी का पाउच आता है ना, मैगी मसाले का, वो ऐड कर रही हूँ, जो मैगी के साथ होता है हमेशा। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। अब मैं इसमें एक मैगी ऐड कर रही हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ के डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब चीज़ों में, जिससे हमारी जो मैगी है वो सब चीज़ों में मिक्स हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। मैगी डालने के बाद मैंने इसे 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी वगैरह, कॉर्न वगैरह के अंदर, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे दूसरे उसमें प्लेट आउट निकाल रही हूँ, क्योंकि ये सूखी मैगी है, इसमें हल्का सा पानी होना ज़रूरी है, बिल्कुल हमें सूखे नहीं करने हैं इसको। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, गैस को बंद कर रही हूँ। अब मैं तीसरी तरह की मैगी बना रही हूँ, स्टीच स्टाइल मैगी। ये मैगी भी बहुत ही जल्दी तो नहीं कह सकते, पर हाँ अगर आपकी मैगी उबली हुई है तो जल्दी ही बन जाती है। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है। जब ये पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें हल्का सा ऑयल डालूँगी, छोटा सा चम्मच, इससे हमारी जो मैगी है वो खिले बने। पानी को हल्का अच्छे से गर्म होने देंगे हम। जब पानी हमारा गर्म हो जाए तब हम इसमें एक मैगी ऐसे तोड़ के, इसको भी हमें ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ 80% ही हमें उबालना है, जैसे आप चाउमीन उबालते हैं ना बिल्कुल वैसे ही उबालना है। इसको भी अच्छे से उबलने देंगे, 2-3 मिनट लगती है इसे उबलने में, ज़्यादा नहीं उबालना, सिर्फ 80% ही हमें उबालना है। मैगी को मैंने उबाल लिया था और छन्नी की सहायता से मैंने उसका पानी है वो जो निकाल लिया है। अब हम आगे की प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है, गैस को तेज फ्लेम पे कर लिया है और हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, जो मैंने रफली चॉप कर लिया था। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिएगा और इसमें एक हरी मिर्च वो ऐड कर देंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन नहीं निकल जाता।
ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, बस हल्का सा इसका कच्चा पनीर निकालना है और हमारे प्याज हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाए जब तक कि हम इसे फ्राई करें। प्याज जो हमारे हल्के से भुन गए हैं, अब मैं इसमें एक टमाटर जिसको मैंने रखी सब लिया था वो ऐड कर रही हूँ। टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, या फिर कॉलेज में पेस्ट ऐड करिएगा क्योंकि जो मैगी के अंदर मसाला होता है ना उसमें भी नमक होता है। इसको हल्का सा सॉफ्ट हो जाए जब तक हमारे टमाटर, जब तक मैं भून लूँगी। हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें मैगी मसाला जो मैगी के साथ पैकेट में मिलता है ना वो ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ ऐड नहीं कर रही हूँ। आप इसमें चाहें तो लाल मिर्च पाउडर या फिर धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी पसंद है तो इसमें केचप भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको हल्का सा मैं भून लूँगी। अब मैं इसमें दो चार बूंद जो है पानी की ऐड करूँगी जिससे जो हमारे मसाले हैं जो मैगी मसाला वगैरह है वो अच्छे से इसमें भून जाए। अब जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जो मैंने बॉईल करे हुए मैगी हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ, ऐसे खोल के आप ऐड कर दीजिए और इसे हल्के हल्के हाथों से मैं मिक्स कर दूँगी इसमें जिससे हमारी जो मैगी है वो टूटे नहीं। मैंने मैगी को प्याज टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है और एक दो मिनट के लिए इसे अच्छे से सब मसालों के साथ छोड़ दिया है। हमारे एक दो मिनट हो चुके हैं, अब जो है हमारे मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट स्टाइल मैगी है। अब मैं इसे गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ और उसे दूसरे बर्तन में सिफ्ट कर रही हूँ। अब मैं चौथी तरह की मैगी बना रही हूँ, बिल्कुल प्लेन मैगी जो बिल्कुल दो मिनट में बनकर तैयार होती है। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फ्राईपैन लिया है, उसमें मैंने एक कप पानी ऐड किया है क्योंकि मेरी एक सिंगल मैगी है। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें मैगी ऐड करूँगी। मैगी को मैं ऐसे तोड़ के ऐड कर रही हूँ। मैंने मैगी को डाल दिया था, अब मैं इसमें जो मैगी के अंदर मैगी मसाला आता है जो हर पैकेट के अंदर ऐड होता है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने एक मैगी बनाया है, अब इसे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाला हमारा अच्छे से मैगी में मिक्स हो जाना चाहिए तभी इसका टेस्ट आएगा। अगर आपको इसमें नमक कम लग रहा है तो आप इसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने इसमें कुछ ऐड नहीं किया है, खाली जो मैगी मसाला होता है जो इस हर पैकेट के साथ में मिलता है बस वही ऐड किया है। अब मैं इसे 2 सेकंड के लिए ढककर पकाऊंगी जिससे हमारी जो सब चीज़ें हैं मैगी और मसाले में मिक्स हो जाए। हमारे बिल्कुल सिंपल मैगी जो 2 मिनट में तैयार होते हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे कोई भी आसानी से बना सकता है, इसे बिगनर या बच्चे जो होते हैं छोटे वो भी इसे ईजिली बना सकते हैं। अब मैं इसे प्लेट आउट कर रही हूँ। हमारे 4 तरह के मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं ये कितने खाने में अच्छे लग रहे हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद आते हैं। कई बार बच्चे वेजिटेबल खाना पसंद नहीं करते हैं तो इस बहाने वो वेजिटेबल भी खा लेते हैं। तो मैंने आज 4 तरह के मैगी बनाए हैं। ये चाइनीज़ मैगी है, ये सूपी मैगी है, ये इंडियन स्ट्रीट मैगी है, ये बिल्कुल प्लेन मैगी है। तो आप एक बार इन 4 मैगियों को ट्राई करिएगा तो आप बाकी के मैगी खाना भूल जाएंगे। अगर आपको मेरी इस 4 मैगी की रेसिपी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।